नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टेडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुंदर अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा कर लेता है। एक व्यक्ति है जो हर रोज कोई पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़ता है, रोज़ एक दिन में 8, फिर दूसरे दिन में 8, ऐसे करते करते 15 दिन में वो पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो उसे पूरे पुस्तक को वह कितने दिन में पढ़ लेगा। वो जो व्यक्ति है वो पुस्तक के 8 पृष्ठों को रोज़ पढ़ता है तो 15 दिन में बुक जो है वो समाप्त हो जाती है, और अगर वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो वह पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ेगा। तो इसे हम समानुपात वाले से बनाते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या दिया गया है, पृष्ठ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पृष्ठ, उसके बाद यहाँ क्या दिया गया है, दिन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिन। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले वाले में कितना पृष्ठ दिया गया है, तो 8 पृष्ठ। कितने दिनों में पढ़ लेता है, 15 दिन। उसी प्रकार से कितना दिया गया है दूसरे में, 12 पृष्ठ। कितने दिनों में पढ़ लेता है, तो एक्स माने हैं हम। अब हम क्या करेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 15 × 8 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे हो जाएगा हमारा 12। ये हो गया। उसके बाद जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं। तो क्या कहाँ कट रहा है, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। उसी प्रकार से 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। क्या क्या बचा हुआ है, एक से बराबर बचा हुआ है 5 × 2 = 10 दिन। तो वह व्यक्ति अगर रोज 12 पृष्ठ पढ़े तो पुस्तक को वह कितने दिन में पढ़ लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन में वह पुस्तक को पूरा पढ़ लेगा। तो ऐसे ही आपको अनुपात समानुपात वाले दृष्टिकोण से प्रश्नों को बनाना सीखना है, और प्रश्न इससे जल्दी से जल्दी सॉल्व होता है। तो ये ट्रिक आपको भी फॉलो करनी है। थैंक यू।